हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए थे और आज की इस वीडियो में हम उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फिर अफेक्टिंग पढ़ेंगे प्लांट लेआउट के। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हैं हमारे प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं ये प्लांट लेआउट के। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है प्लांट लोकेशन के बारे में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट की तो वो कहीं ना कहीं इंटीमेटली एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं, प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट, क्योंकि लेआउट से पहले हमें क्या डिसाइड करनी होती है, अपने प्लांट की लोकेशन। ठीक है, तो अब देखिए, जितना बड़ा हमारा साइज और शेप होता है, टोपोग्राफी होती है, वो इसे इन्फ्लुएंस करती है लेआउट के जनरल पैटर्न को। ठीक है, अब बात की गई है यहाँ पर कि प्लांट साइट जो होती है ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ बिल्डिंग। जो प्लांट साइट होती है वो बिल्डिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है वो कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, यानी कि बाय एयर हो रहा है, बाय वाटर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है। तो ये सब भी चीज़ें किस पर अफेक्ट करती हैं, हमारी प्लांट लोकेशन किस पे अफेक्ट करते हैं, हमारी प्लांट लेआउट पे। देन सेकंड बात आती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। अब देखिए, यहाँ पर जो है कुछ लेआउट के बारे में बताया गया, यानी कि जो टाइप्स ऑफ लेआउट होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट लेआउट चाहिए होता है, वेयर एज जहाँ पर कस्टमर मेड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस लेआउट चाहिए होता है। तो अभी किस पर डिपेंड होता है, जितने भी लेआउट हमें नीड, जितनी भी लेआउट की नीड होती है वो हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का जो टाइप है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग उसकी बात की गई है लेआउट्स की। यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलरली वैल्यू, फ्रेगिलिटी, वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट की कंसिडरेशन में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका वॉल्यूम, उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। देन थर्ड आता है हमारा टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिए, इसमें बात की गई है द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एग्जर्टेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन प्लांट लेआउट, यानी कि जो नेचर और टाइप ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हमारी प्लांट लेआउट पर काफ़ी अफेक्ट करता है। जनरली प्रोडक्ट लेआउट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोडक्ट लेआउट होता है वो ज़्यादातर अप्रोप्रिएट होता है प्रोसेस लेआउट से। ठीक है, अब इन्हें जानने से, अब ये कौन सा ज़्यादा होता है, किससे कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, इसे जानने के लिए हमें पहले इन सारे लेआउट्स को पढ़ना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो प्रोसेस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के लेआउट्स यूज़ होंगे, उसको हम बाद में रीड करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्लांट एनवायरनमेंट की तरफ। अनप्लानिंग फैक्ट्री लेआउट, हीट, लाइट, नॉइस, वेंटिलेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ प्लांट क्लाइमेट शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। अब देखिए, एक जो प्लांट फैक्ट्री होती है, प्लांट फैक्ट्री का जो लेआउट होता है वो क्या ध्यान में रखता है कि हीट का, यानी कि हीट का, आग का, लाइट का, नॉइस आवाज़ का, वेंटिलेशन का, जहाँ से हवा आ रही है, धूप आ रही है, और अदर भी प्लांट क्लाइमेट जो है, प्लांट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट शॉप्स एंड प्लेटिंग सेक्शंस शुड बी लोकेटेड ऑन आउटसाइड। ठीक है, जो पेंट शॉप होती हैं और जो प्लेटिंग सेक्शंस होते हैं वो बाहर की तरफ बने रहने चाहिए, सो दैट डेंजरस फम्स मे बी रिमूव थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन। तो प्रॉपर वेंटिलेशन यानी कि जब उन्हें को प्रॉपर धूप मिलेगी, प्रॉपर हवा मिलेगी, प्रॉपर छाया मिलेगी, तो वहाँ पे जो है तो डेंजरस फम्स से वो बच सक, उनको रिमूव यानी कि उनको ख़त्म किया जा सकता है, जिससे वो बच सकती है। देन आती है हमारी एक बात, यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि टाइप ऑफ मशीन, यानी कि मशीन के टाइप्स, यानी कि मशीन किस प्रकार की है, मटेरियल किस प्रकार का है, इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट का क्या टाइप है, ये सब भी जो है इनको भी काफ़ी ध्यान में रखा जाता है, और ये प्लांट लोकेशन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देन आता है हमारा 5 स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लोकल नीड रिक्वायरमेंट्स। द स्पेटियल नीड्स फॉर मशीन, मटीरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट एंड अवेलेबल फ्लोर स्पेस आर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन प्लांट लोकेशन। अब देखिए, जो मशीन की लोकल नीड है, मटेरियल की लोकल नीड है, इक्विपमेंट को संभालने की जो लोकल नीड है, फ्लोर स्पेस की जो अवेलेबल है, इन सबको ध्यान रखा जाता है, और ये प्लांट लोकेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, काफ़ी इफेक्ट करते हैं। स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स यानी कि लोकल नीड रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोजिशन एंड नीड ऑफ वर्कर। जो लोकल नीड्स होती हैं वो वर्कर पर भी निर्भर करती हैं, वर्कर किस पोजीशन में है, उसकी क्या ज़रूरत है, उस पर भी निर्भर करती हैं। एम्प्लॉय फैसिलिटेड एंड सेफ्टी इज़ ड्यूली कंसिडर। अब एम्प्लॉय की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसको, जो सेफ्टी दी जा रही है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। देन हमारा 6th आता है पॉइंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मशीन एंड इक्विपमेंट शुड नॉट बी फिक्स सो क्लोज टू ईच अदर दैट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट।
मशीन और इक्विपमेंट्स जो होते हैं जिनसे मतलब रॉ मटेरियल जिसके प्रोसेस के थ्रू बनता है वो जो है एक दूसरे से काफ़ी क्लोज नहीं रहने चाहिए, यानी कि उन दोनों को आपस में नहीं रखना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो फिर इससे क्या होगा, सो दैट क्लोज टू ईच अदर दैट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन रिपेयर्स, मतलब कि मशीन और इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको अलग अलग नहीं रखना चाहिए, क्लोजली नहीं रखना चाहिए, जिससे ये क्या करते हैं, अगर इन्हें रख दिया जाएगा ना क्लोज में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे रिपेयर्स में, मेंटेनेंस में और रिप्लेसमेंट में। देन आता है हमारा बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रोसेस हेल्प टू अवॉइड बॉटलनेक्स। अब देखिए बॉटलनेक की बात हमने पीछे करी थी कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसको हम कम करें बॉटलनेक को रिमूव करके, एलिमिनेट करके। तो बॉटलनेक यहाँ पर आ चुका है, बैलेंस प्रॉपर ये इसमें बात की गई है कि जो प्रॉपर बैलेंस बना रहना चाहिए प्रोसेस के बीच में, ताकि जो बॉटलनेक्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। द अरेंजमेंट ऑफ मशीन कैपेसिटी शुड बी सच एज टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म फ्लो। जो अरेंजमेंट होना चाहिए मशीन का वो ये, उससे ये पता चल सके कि हमारा जो फ्लो है यूनिफॉर्म, यानी कि एक ही स्थिति पे हो रहा है, एक ही स्पीड में हो रहा है, ठीक है। जो वर्क है, जो वर्क का फ्लो है वो एक ही स्पीड में हो रहा है। देन आता है हमारा मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग साइज क्वालिटी एम्प्लॉय फैसिलिटीज एंड डिलीवरी शेड्यूल्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग प्लांट लेआउट। जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं साइज़ को लेकर, क्वालिटी को लेकर, एम्प्लॉय की फैसिलिटीज़ को लेकर, डिलीवरी शेड्यूल्स को लेकर, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्लांट लेआउट को सिलेक्ट करते हैं। नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देन आता है हमारा फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड बाय वर्कर्स। अभी हमने वर्कर का एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा था, जो हमारी मेरी प्रीवियस वीडियो थी इसमें मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जिसमें हमने बात करी थी वर्कर्स की सेफ्टी की, ठीक है। इसमें वही बात बोली गई है इसमें, इस फैक्टर में, कि जो वर्कर की जो फैसिलिटीज़ हम देते हैं, जो उसको बेसिक नीड, उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, डिस्पेंसरी, कैंटीन, ये सब उसको देनी चाहिए, ठीक है, उसकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग सच फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइड कन्वीनियंटली। फैक्ट्री बिल्डिंग में ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको कन्वीनियंटली प्रोवाइड करना चाहिए। देन आता है हमारा टाइप ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जनरल पर्पस मशीन्स रिक्वायर डिफरेंट लेआउट। अब देखिए मशीन भी दो तरीके की होती हैं, जनरल पर्पस होती हैं, जनरल पर्पस मशीन को अलग तरीके का लेआउट चाहिए होता है, और जो स्पेशल पर्पस मशीन्स होती हैं उनसे ज़्यादा उसको अलग लेआउट चाहिए होता है। देन आता है हमारा मिसकेलियस फैक्टर्स। मिसकेलियस फैक्टर्स में जितने भी इसमें फैक्टर्स आए ना, वो सबको जो बच गए, जो रह गए, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ गए। फॉर एग्जांपल इसमें आया क्लाइमेट कंडीशंस आई, ठीक है, रिक्वायरमेंट आई लाइट की, टेम्परेचर की, एक्सेट्रा की, ये सब भी ना एक प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल निभाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़े फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।